तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्रो म्यूचुअल फंड ऐप के बारे में नहीं, बल्कि बताऊंगा कि मैंने जो अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं ग्रो ऐप में, उनका मुझे कितना रिटर्न मिला, कितने दिन में मिला। अगर आप भी ग्रो ऐप में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसमें हम केवल वही वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे जिनसे आपकी अर्निंग इंक्रीज हो, जैसे कि यूट्यूब के बारे में, फिर ग्रो ऐप के बारे में और भी बहुत सारे ऐप के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो में हम जानने ये वाले हैं कि ग्रो ऐप में 50,000 रुपये पे मुझे कितना रिटर्न मिला और कितने महीने में मिला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप कर लेना चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में कर देना लाइक। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फंड में अगर हम 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो उसका हमको कितने महीने, मतलब कि 3 महीने के अंदर अंदर कितना रिटर्न मिलता है, इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो वीडियो को आप एंड तक देखना। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपने डैशबोर्ड पे ग्रो ऐप के, वहाँ पर आपको पूरा रिटर्न दिखेगा, कितने पैसे इन्वेस्ट किए वो दिखेंगे, कब इन्वेस्ट किए वो भी दिखेगा, पूरी डिटेलिंग में आपको वीडियो बताऊँगा। तो एंड तक देखते रहिए वीडियो। तो चलते हैं हम डैशबोर्ड पर और यहाँ पर हमने इन्वेस्ट किए हैं 50,000। 50,000 में 800 रुपये कम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मैंने रिडम कर लिए थे थोड़े से पैसे, इसलिए वहाँ पे इन्वेस्टेड कम दिखा रहा है ना। तो 49,208 रुपये हमारे जमा हैं, हमको मिल चुका है 10,349 रुपये का रिटर्न। अब ये रिटर्न कितने दिन में मिला, ये इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए मैं आपको डिटेल्स में दिखाता हूँ। जो क्विनेट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मोर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। तो देखो, पहला मैंने इन्वेस्ट किया 23 अप्रैल को कितना, 20,000। 7 मई को इन्वेस्ट किया 10,000। 11 मई को तो रिडम किया था, हाँ। फिर 1 मई को अपन इन्वेस्ट किया इसमें 12,000 रुपये है ना। तो अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं, यही समझने की बात है। अगर ये पूरा पैसा इन्वेस्ट में 23 अप्रैल को कर देता तो अभी जो आप रिटर्न देख रहे हो यहाँ पर, क्या बोलते हैं अपना 10,000, ये होता कम से कम 13 या 14,000 रुपये के आसपास ये रिटर्न होता ना। और जो 11,000 रुपये करे हैं हमने ये कोटक स्मॉल कैप फंड में करे हैं, तो इसका जो रिटर्न मिला है वो हमको मतलब कि बहुत कम मिला है। खैर इसका रिटर्न तो इसका रिटर्न इतना मिला है भैया, कितना मैं आपको बता देता हूँ, रिटर्न मिला है 1,015 रुपये है ना। और 31 मई को इन्वेस्ट किया था, मतलब अभी 31 जो तारीख आएगा, 31 मई, 31 जून, 31 जुलाई, 31 जुलाई को इसको 2 महीने हो जाएंगे। तो ये वाला खैर इतना अच्छा नहीं है, मैं इसमें से पैसे निकाल कर वापस क्वानेट में ही डालूंगा है ना। तो ऐसे ही अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं अर्निंग से रिलेटेड, कि अर्निंग कैसे करें, अपने पैसे कैसे इन्वेस्ट करें और पैसे कैसे कमाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो बनाएंगी वो कोई फेक नहीं बल्कि प्रूफ वाली वीडियो रहेंगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।